स्कूल में टीचर ने बच्चे की पिटाई कर दी है, अब वो रोता हुआ घर आया है, सारी बात रोते हुए बता रहा है। बात कम रो ज्यादा रहा है, अम्मी को गुस्सा आ रहा है, रोती शक्ल हो तुम, इतना क्यों रो रहे हो? अम्मी अपने बच्चे को टीचर के पास लेकर जाएंगी, वहां भी वो रोता रहेगा, आखिर में उसकी अम्मी उल्टा अपने बच्चे की पिटाई करना शुरू कर देंगी। असल में अम्मी को समझ में नहीं आ रहा है रो क्यों रहा है, क्या बात है। स्कूल में टीचर ने बच्चे की पिटाई कर दी है, अब वो रोता हुआ घर आया है, सारी बात रोते हुए बता रहा है। पिटाई की घर आके बता रहा है, यहाँ से स्टार्ट है कि घर आके तुम बता रहे हो कि मेरी पिटाई हुई है स्कूल के अंदर। बात कम और रो ज्यादा रहा है, इतना रो रहा है, अम्मी को गुस्सा आ रहा है, रोती शक्ल हो तुम, इतना क्यों रो रहे हो? अम्मी अपने बच्चे को टीचर के पास लेकर जाएगी, वहां भी वो रोता रहेगा, आखिर में उसकी अम्मी अपने बच्चे की पिटाई लगाते हुए दोबारा घर ले आएगी। आ जाओ, चलो भाई रेडी। टीचर कौन है? आप बच्चे, घर कौन सा? ये घर है आपका, ये स्कूल है, अभी रेडी गो। टू टू द फोर, टू टू द चार, टू टू द फोर, टू टू द चार। आपने इसको मारा क्यों है? टू टू द फोर नहीं बोलेगा तो बोलता ही नहीं है, कभी सिक्स बोलता, कभी एट बोलता, कभी साफ सामिन बोलता। रो क्यों रहा है? मुंह से बोल रहा है, रोक लूं। मेरी टीचर माना कि रोता हुआ पैदा हुआ था, मगर ये तो बता किया क्या है उसने? अपनी अपनी जबान से जो है ना, मुंह से कुछ अल्फाज निकालो ना। आप दोनों टीचर, अरे तुम्हारी वजह से पड़ गया। अल्लाह मैं एक मिनट रोते ही रहते हो बोला, बाप भी रोता रहता है, बेटा भी रोता रहता है। बहुत अच्छा यार।